भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच जेंडर गैप वाली जो खाई है वो और गहराती जा रही है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 यानी कि 2024 के आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े क्या कहते हैं जरा आपको इसके बारे में बता रही हैं हमारी सहयोगी आरजू साई। भारत में महिलाओं और पुरुषों के बीच जेंडर गैप वाली खाई और गहराती जा रही है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024 के आंकड़े जारी किए। इनसे आपको हताशा हो सकती है। 146 देशों की लिस्ट में भारत 2 अंक पिछड़कर 129वें स्थान पर आ गया है। साउथ एशिया की बात की जाए तो पाकिस्तान ने सबसे खराब प्रदर्शन दिखाया, जबकि भारत बांग्लादेश नेपाल श्रीलंका और भूटान से भी पीछे है। आर्थिक लैंगिक समानता में भारत सबसे निचले स्तर वाले देशों में शामिल है। भारत की आर्थिक समानता 39.8% है। इसका मतलब ये है, यूं समझिए कि भारत में जिस काम के लिए पुरुष 100 रुपए कमाते हैं, महिलाएं उसी काम के लिए करीब 40 रुपए कमाती हैं। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि 140 करोड़ से ज्यादा की आबादी वाले भारत का 2024 में लैंगिक अंतर 64.1% रहा। WEF की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 के मुताबिक मौजूदा समय में जो विकास की दर है उसके मुताबिक पूरी तरह से समानता 2158 में आएगी, यानी कि पुरुष महिला के बीच पूरी तरह से समानता पाने के लिए अभी 134 साल और लगने वाले हैं, जो अब से लगभग 5 पीढ़ी आगे की बात है। 5 पीढ़ी आगे की बात जरूर है, लेकिन अभी हालात क्या हैं? और ये सिर्फ जिस तरीके से हम देख रहे हैं हर इंडस्ट्री में अमूमन यही हाल है। फिल्म इंडस्ट्री की बात करते हैं, वो उसका हाल जरा समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हीरोइन बहुत खुशकिस्मत होती है तो उसे फिल्म के हीरो की जो फीस का 10वां हिस्सा जो है वो मिलता है, ऐसा लारा दत्ता ने कहा, जो खुद एक फिल्म अभिनेत्री हैं। फिल्म इंडस्ट्री का हाल ये है कि अभिनेत्रियों से ज़्यादा पैसा उन्हें नहीं मिलता है। एक हीरो एक फिल्म में जितना पैसा कमाता है, एक अभिनेत्री उतना पैसा 15-16 फिल्मों में ही कमा पाती है। इस ये बात रवीना टंडन, जो खुद एक बड़ी अभिनेत्री रही हैं, उन्होंने कही। फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो वहां पर वेतन अंतर पुरुष प्रधान समाज का एक परिणाम है, ये जूही चावला ने ये बात कही। और बहुत सारी एक्टर्स हैं जिन्होंने इस तरह की बातें कही हैं। मैं जब भी समान वेतन पाने का इंतजार कर रही हूं, दुनिया भर की अधिकांश अभिनेत्रियों की तरह प्रियंका चोपड़ा ने ये भी बात उन्होंने कुछ दिन पहले कही थी, और वो एक मेगा स्टार है। इस बीच BCCI ने एक शानदार पहल की, महिला और पुरुष क्रिकेटरों को समान मैच फीस देने की पहल BCCI ने कुछ दिन पहले की थी। टेस्ट के लिए जो ये मैच फी है वो 15 लाख रुपए है, और वनडे के लिए जो मैच फी है वो 6 लाख रुपए रखी गई है। T20 के लिए मैच फी दोनों पुरुषों और महिलाओं को 3 लाख रुपए दोनों के लिए मिलते हैं। अब ये जो कानून है इस पर, बराबर वेतन पर, कानून क्या बात कहता है? 1976 में समान पारिश्रमिक अधिनियम पारित हुआ था। किसी भी नौकरी में स्त्री पुरुष समान वेतन के हकदार हैं। लिंग के आधार पर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जा सकता इस कानून के मुताबिक। अक्टूबर 2023 में, अगर आपको बताएं तो आइसलैंड में महिलाओं की जो हड़ताल थी वो समान वेतन को लेकर थी। हड़ताल को आइसलैंड की जो महिलाएं हैं, उसके बाद वहां पर वो प्रधानमंत्री से मिली और उनको प्रधानमंत्री का भी साथ मिला। महिला प्रधानमंत्री थी उस वक्त वहां पर। समान वेतन की मांग पर एक दिन की हड़ताल वहां पर की गई थी। मेरे साथ इस वक्त इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ नीरा मिश्रा जी जुड़ रही हैं। नीरा मिश्रा जी द्रौपदी डी ट्रस्ट की में काम करती हैं, चेयरपर्सन हैं वहां पर। बहुत बहुत शुक्रिया नीरा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा, ये जो रिपोर्ट्स हैं ये हर साल आती हैं, इस पर जब ये रिपोर्ट आती है तो चर्चा भी होती है, लेकिन जमीन पर ऐसा दिखता नहीं है कि बहुत कुछ बदल रहा है। अभी हम जो रिपोर्ट दिखा रहे थे उसमें उसके हिसाब से करीब 5 पीढ़ी और लगेंगी अगर इसी तरीके से चलता रहा महिला और पुरुषों को समानता लाने में। नमस्कार सभी दर्शकों को, आपको भी पहली बात मैं बता दूं, मैं काम नहीं करती हूँ, ये मेरी अपनी संस्था है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि हर साल ये आती हैं,
चर्चा होती है और ये चर्चा रिपोर्ट फाइलों में दब जाती है। हमें एक बात को समझना होगा कि पिछले ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स से महिलाओं को जिस स्थिति में रखा गया है उससे उभरने के लिए अभी भी हमें बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, ये रिपोर्ट ये दर्शाती है। और जिस तरह से महिलाओं को हर क्षेत्र में एक बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो चाहे वो कार्य क्षेत्र हो, वो हमें अभी तक मिला ही नहीं है। और जितनी कम महिलाएं आई हैं और जितनी भी कम आई हैं उसमें भी ये क्या एक हमारी जो मानसिक स्थिति है, जो पुरुष प्रधान जो हमारी मानसिक स्थिति है कि महिला को अगर थोड़ा भी मिल रहा है तो बेचारी तुम उससे संतुष्ट हो जाओ और जो मिल रहा है यह सोचो कि तुम्हें एक मौका मिल रहा है। ये जो एटीट्यूड हमारे देश में है इसको हमें बदलना है। और ये महिला ये जो रिपोर्ट्स आती है इसको लेके, जैसे कि अभी आपने बताया कि महिलाओं ने आंदोलन करा हर देशों में, हमको भी इस देश में यहाँ पे एक एक तरह का इस रिपोर्ट के बेसिस पे एक तरह की अवेयरनेस, एक तरह की जागरूकता फैलानी है कि हम और पुरुष और मेल दोनों को बराबरी का हर क्षेत्र में मिलना चाहिए। अगर हम अभी आर्मी में महिलाएं जा रही हैं, अभी उद्योग में महिलाएं जा रही हैं, अभी सबसे इवन अगर आप देखें लॉयर्स भी, अगर एक लॉयर जाती है कोई केस लेने वो कम फीस में कर उसको मिलता है और अगर एक मेल जाता है उसको ज्यादा मिलता है, तो एक वेतन भी हो गया। और समाज में आपने फिल्म की बात कही तो फिल्म में भी यही किस्सा चल रहा है कि महिलाओं के दिमाग में एक बात फैला दी गई है और पुरुष के दिमाग में एक बात है कि महिला क्योंकि एक हमारे लिए आवश्यक है उसको ले लेना है, लेकिन उसको राजी होना होगा हमारी टर्म्स पे। महिला अपनी टर्म अभी नहीं सेट कर पा रही है क्योंकि जब तक हम ग्राउंड लेवल शैक्षिक एजुकेशन लेवल से आगे तक उसको एक बराबरी का हिस्सा नहीं देंगे, घर से शुरू होता है समाज से शुरू होता है। तो समाज में और घर में क्या लगता है कि क्या मूलभूत बदलाव चाहिए हमें? सरकार इसमें क्या रोल कर सकती है, सिविल सोसाइटी का क्या इसमें रोल है, क्या मूलभूत चेंजेस चाहिए जो हम इस तरह की जो बातें हैं वो हर साल ना करके कम से कम ये बात करें कि हम कितना इम्प्रूव कर रहे हैं? देखिए सरकार क्या कर सकती है, आपने अभी बताया कि सरकार एक कानून लाई, अब वो कानून कौन उसको इम्प्लीमेंट करेगा? कानून इम्प्लीमेंट तो लोग ही करेंगे और वहां पे ज्यादातर पुरुष प्रधान लोग बैठे हैं। और कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए जब महिलाओं को पहली बात तो ये बात मालूम होनी चाहिए कि ऐसा एक कानून है जो हमें एक बराबरी का हिस्सा देता है चाहे वो वेतन में। तो जब तक महिलाओं को ये बात नहीं मालूम है तब तक तो वो जागरूक नहीं है, तब तक वो आगे आवाज नहीं उठाएंगी। और आवाज उठाएंगी तो एक और मुद्दा बन जाता है कि भाई महिला बहुत बोलती है, बहुत लड़ाई करती है, तो इनको रिक्रूट ही मत करो। मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आई हैं जहां महिलाओं को रिजेक्ट कर दिया जाता है, एक तो एक भी यही सब छोटे छोटे ग्राउंड्स को। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि महिलाओं को एक जागरूकता फैलानी है हर एक क्षेत्र में कि आपका ये अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है और इसके खिलाफ आवाज उठाना भी आपका एक हक बनता है। तो सबसे पहला तो ये होगा कि जागरूकता अभियान होना चाहिए और आप आज ये बहुत अच्छा एक प्रोग्राम कर रहे हैं, एटलीस्ट इसके बहाने बहुत महिलाओं को ये बात तो मालूम पड़ेगी कि एक कानून था। अब आपकी इतनी सारी बाड़ों में कानून एक लाइन में आया लेकिन आप सिर्फ कानून के ऊपर कि महिलाओं को बराबरी का हिस्सा देने के लिए क्या क्या कानून है और किस किस तरह से महिलाएं उसको उसको उपयोग कर सकती है, वो चीज पे हमें एक अलग से एक तरह का प्रोग्राम आपको ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जहां तक महिलाओं का भागीदारी, देखिए क्या है कि जैसे मैंने अभी पहले ही कहा कि पहले तो महिलाओं को बहुत सारे क्षेत्रों में भागीदारी ही नहीं मिलती थी। बहुत अच्छा आपने उदाहरण दिया क्रिकेट का। मैंने सबसे पहला एक ऑल इंडिया फुटबॉल चैंपियनशिप दिल्ली में करवाई थी और मुझे कितनी कठिनाई हुई थी, जो मेल सेक्शन है ऑफ फुटबॉल फेडरेशन उनसे लड़ाई लड़ लड़के हमने दिल्ली में महिलाओं का एक प्रोग्राम कराया। तो हमें आपको लगता है कि अगर सबसे मूलभूत जैसे हम बात करते हैं जिस तरीके से जो विमेन रिजर्वेशन बिल पर भी चर्चा हुई, कहा गया कि 2029 तक इसको लागू किया जाएगा, ज्यादा से ज्यादा महिला एमपीज लॉ मेकर्स जब पार्लियामेंट में जाएंगे तो महिलाओं के लिए बेहतर तरीके से सोच पाएंगे, बेहतर कानून, बेहतर सुविधाएं प्राप्त करने में सरकार को मदद मिलेगी।
देखिए, जहां तक पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का सवाल है, उसमें मेरी तो जो मेरा मत ये है कि पहली बात तो हमें 33% पर राजी नहीं होना चाहिए था, हमको 50%, जैसे कि अफ्रीका की औरतों ने कहा था कि भाई हमने भी आजादी की लड़ाई में भाग लिया, हमें भी 50% मिलना चाहिए। दूसरी बात, एक महिला अभी भी सक्षम नहीं है, शी हैज नो मनी पावर एंड नो मसल पावर। तो महिलाओं को लाना चाहिए राज्यसभा में, जो कि हर एक पार्टी के लिए एक मैंडेटरी कानून बनना चाहिए कि एवरी पार्टी शुड सेंड एटलीस्ट 30% वुमेन इन राज्यसभा थ्रू देयर स्टेट। ये कानून जब आएगा तो महिला पॉलिसी में आएगी, जब महिला पॉलिसी में आएगी तब वो कानून ऐसा बना सकती है। और कानून इम्प्लीमेंटेशन बनाना बहुत जरूरी है, कानून तो बन के पड़े रहते हैं लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। और ये जो महिला पॉलिटिकल जो हुआ है, इसमें महिलाओं को पेपर पे आ गया है लेकिन कितनी महिलाओं के पास पैसा है, कितनी महिलाओं के पास वो कहते हैं ना जो मसल पावर है, जो कि वो अपने बल पे खड़े होके बिल्कुल इलेक्शन लड़ सके, नहीं है। तो ये कानून बनाना एक अलग बात हो गई है, उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म देना अलग बात है। कोई भी पार्टी जब यानी कि इलेक्शन कैंडिडेट चूज करती है तो विनेबिलिटी देखती जी है, विनेबिलिटी कैसे आएगी। तो इसीलिए उनको राज्यसभा में महिला के लिए 50% रिजर्वेशन मैंडेटरी अगर कर दिया जाए तो ये एक बहुत जी बड़ा एक चेंज आएगा, और उससे महिलाएं अपने हर क्षेत्र के लिए जो बनेगी पॉलिसीज उसमें आगे बिल्कुल, काम लेंगी। आपको मैं एक छोटी आपने सी बात बहुत बताऊं, सारे क्योंकि 2005 महत्वपूर्ण सुझाव की भी दिए हैं बात इस है पर, और चर्चा की आवश्यकता है, इस पे एक व्यापक चर्चा की आवश्यकता है। कम से कम कोशिश यही करेंगे कि एनडीटीवी के माध्यम से इस पर जरूर बातचीत होती रहे और इसका असर जो है आप बातों से नहीं जमीन पर भी देखने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ।